बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो आप सबका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन और आज है सैटरडे का दिन और बार बार रोज़ा है और उमेर भाई के घर में अफ्तारी है, फ्रेंड्स की अफ्तारी है उमेर भाई की। तो जल्दी जल्दी से मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, इन्हें भी स्किप नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके पेपर्स थे। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे शोर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो म्यूट कर लिया है। हाँ जी, तो बस यहाँ पर आज हमारे भाई की दोस्तों की अफ्तारी। व्लॉग जो है वो लेट इसलिए शुरू करा है क्योंकि भागम दौड़ी में सारा काम हो रहा था, तो अभी सारी प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या बन रही है अमना, क्या क्या है खाने में? खाने में है मटन बिरयानी और यहाँ पर अभी जो है वो राइस हो रहे हैं मटन बिरयानी के। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है कीमा, भुना कीमा बनाया है खाने में हमने। और क्या बनाया है अमर है चिकन कोरमा, मटन बिरयानी और भुना कीमा। तो बस अब यहाँ पर जो है चावल बॉयल हो रहे हैं। बस चलें जी, यहाँ पर ये रेडी है। तो आज जो है बस व्लॉग लेट शुरू करा है, लाइट गई हुई है और बड़ा मसला हो रहा है। लेकिन ये है कि अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो जी अभी आज है मेरे भाई की दोस्तों की अफ्तारी घर में और जल्दी जल्दी काम भी चल रहा है, साथ साथ ट्यूशन भी चल रही है और काम भी चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी तैयारी होती है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो अभी सारा कुछ जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आखिरी आखिरी मरहलों की जो है तैयारी रह गई है और बच्चे वहाँ पर बैठे स्टूडेंट बच्चे हंस रहे हैं। तो अभी बाकी का व्लॉग आप लोगों के साथ शूट करूँगी कह रही हूँ, शेयर करूँगी जब मैं शूट कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल लाइट के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों की वजह से मेरी उर्दू भी ख़राब हो गई है बच्चों, ये सारे नालायका तत्व बच्चे बैठे हुए। हेलो रमशा, हाय कर दो रमशा, हाय। चलो जी बस अभी जल्दी जी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है बच्चों के पेपर हो रहे हैं और लाइट नहीं आ रही है, तंग कर रही है और साथ ही साथ जो है वो अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। बदतमीज़ बच्चों मुझे, चलें जी। पर ये मेरी बहुत लाइक स्टूडेंट है रमशा, ऊपर देखो। हाँ जी, बाकी कुछ अदत नालायक बैठे हैं जो अपने अपना चेहरा छुपा रहे हैं बिल्कुल क्रिमिनल मोस्ट वॉन्टेड की तरह। ये गौर से देखिए इस चेहरे को, गौर से देखिए इन दोनों चेहरों को, नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइक बच्ची हैं और एक ये अदत बच्ची है, ये आंटी साहिबा हमारी ट्यूशन की दादी अम्मा है ये। तो चलें जी बस अब पढ़ाते हैं और फिर जाके जो है वो जल्दी 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 बेटा जल्दी से कर लो। हाँ, तो अभी असर पढ़ने लगे हैं और असर पढ़कर जो है वो बस फिर सेटअप करते हैं। शीट वीट मैंने सोचा है कि लगा देंगे और ताकि जो है एंड टाइम पे जो है वो जिसे कहते हैं ना हसल बसल ना हो रही हो। तो बस जल्दी जल्दी जो है अभी कर रहे हैं, 5 बज चुके हैं तो 5:30 तक तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे ताकि एंड टाइम पर जो है मसला ना हो रहा। तो अभी मैं जा रही हूँ असर अदा करने के लिए। असर अदा करने के बाद जो है वो फिर बाकी का जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों के साथ जो है जितना भी व्लॉग शेयर कर सकती हूँ शेयर करूंगी क्योंकि मसरूफियत बहुत है और तो इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने शीट अरेंज करके रख दी है ताकि जी एंड टाइम पे ही होता है कि नॉर्मली घर में आदमियों को नहीं पता चल रहा था क्या कैसे रखना है। तो मैंने खुद से जो है वो पहले शीट लगा दिया ताकि जी एंड टाइम पे मसला ना हो। यहाँ पर अफ्तार की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस सामना सभी अब आखिरी मराहल में जो है वो पकौड़े तल रही हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर जो है मैंने बनाई है चाट और दही बूंदी है, अमना भाभी ने बनाए आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े और यहाँ पर बिरयानी हो गई है ना, अमना गरम गरम बिरयानी भी रेडी है और अब फाइनली कोरमा भी रेडी है, चिकन कोरमा भी रेडी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा रेडी है। बस अभी जो है बस सर्व करना रह गया है, बिरयानी भी मज़ेदार सी गरम गरम हॉट हॉट रेडी है और बस अभी बाकी यहाँ पर जो है बाकी का सामान हो रहा है पकौड़े। तो यहाँ पर भुना हुआ कीमा भी रेडी है, तो बस अब इनको सिर्फ बॉक्स सॉरी डिशेस में निकालना है और बस फिर। हाँ जी, तो ये रमज़ान की बरकतें होती हैं, इतनी नेमतें होती हैं हमारे इर्द गिर्द और हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे होते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमारे लिए उतारी हैं अपने बंदों के लिए, हर तरह 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 के फ्रूट्स होते हैं, तरह तरह के खाने होते हैं और रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना है और आपको अपने इर्द गिर्द जो है ना ये बरकत महसूस होती है और हर काम में बरकत हो रही होती है, आपके काम मुकम्मल हो जाते हैं वक्त में।
हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर शीट बिछा दी है जिसे दस्तरखान कहते हैं, मैंने दस्तरखान बिछा दिया है और प्रॉपरली चीज़ें भी अब मैं रख रही हूँ ताकि जो है वो एंड टाइम पे उमेर भाई को मसला ना हो, क्योंकि जो घर के जेंट्स होते हैं ना उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। शीट लगा दी है जैसे आप देख सकते हैं, चाट बना दी है, दही बूंदी बना दी है, पकौड़े भी रख दिए हैं, बस अब मैं जा रही हूँ और जाके जो है बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। तो जी अब काम सारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब गेस्ट का इंतज़ार था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम वक्त पे ख़त्म करवा दिया था, बस मैं आज आखिरी बच्चे को फारिग हाँ कर जी, रही तो हूँ। मैंने ये कहना था कि बस अभी रोज़ा खुलने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार की तैयारी हो गई है और इंसान के नातवा कंधों में इतनी ताकत है ही नहीं कि इंसान कुछ भी दुनिया का काम कर सके या किसी चीज़ को पॉसिबल बना सके। ये सिर्फ मेरे अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात है जो हर चीज़ को पॉसिबल बना देती है, जो हम सोचते हैं वो हमारी सोच को तकमील तक पहुँचा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। हम सबको इस बात का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, हम इस बात की कदर नहीं करते, जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया है, जहान में भेजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बस अभी जितने भी काम थे माशाल्लाह, ट्यूशन भी मैनेज हो गई और साथ ही साथ जो है वो इफ्तार की तैयारी भी हो गई है, बस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। तो लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिल्लाह लिल अज़ीम, लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिल्लाह लिल अज़ीम। तो बेशक अल्लाह के सिवा, अल्लाह की मदद के सिवा कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमसे ये तमाम काम जो है वो करवा सके। तो जी अब मैंने मेरा काम जो है मुकम्मल हो गया है, बस अब खाना लगाना रह गया है, घर की इफ्तार की तैयारी हो गई है, बस एंड में जो है वो शरबत मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी भी रख लेंगे। तो आपको व्लॉग आप लोग देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को व्लॉग्स मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने, मैं जल्दी जल्दी में उसके लिए फंबल कर रही हूँ, और बस इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स भी आप लोगों ने देखने हैं ज़रूर। हाँ जी, तो ये आ गई है साथ वालों के यहाँ से बिरयानी, अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं। तो जी अब गेस्ट्स भी आ गए थे और रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था, और बस ये था कि उमर भाई ने कहा था कि आप अफ्तार में जो है नॉर्मली हम तो खाना साथ नहीं खा रहे होते, तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और जैसे कहते हैं ना रिवायतें फॉलो कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग खाना खा लेते हैं क्वेटा में, लेकिन यह है कि हम लोग साथ खाना नहीं खा रहे होते, तो इस वजह से मेरे भाई ने कहा था कि जी आप इफ्तार की तैयारी कम रखना, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जो है वो डिनर जो है वो साथ ही कर लेते हैं। तो हमने जो है वो चार दही बड़े वगैरह रख दिए थे और साथ ही साथ बस फिर हमने नमाज़ पढ़ के जो है उन्होंने अदा कर ली थी जब दोस्तों ने मेरे भाई की, तो हमने खाना भी लगा दिया था। तो यहाँ पर अब हम खाना जो है वो डिश आउट कर रहे हैं और सबने खाना खाया, बहुत मज़ा आया और आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। उसके बाद मैंने अदा की थी अपनी इशा की नमाज और तरावी अदा की थी, और अदा करने के बाद जो है मैं थक गई थी, और थकने के बाद इतना भी नहीं थकी थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है थक गई थी। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह मैंने सारे काम भी करवा दिए, नमाज भी पढ़वा दी, जो कि एक अहम हमारा फ़र्ज़ है। तो बस कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, खासकर रमज़ान में रोज़ों में जब भी दुआ करते हैं इफ्तारी के वक्त, तो मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में ज़रूर याद रखना है। मिलूंगी फिर आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।